वेरी गुड मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल। हाउ आर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टीचिंग यू ईवीएस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर 6, सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। तो चैप्टर 6 ये आपके ईवीएस के साइंस पोर्शन का चैप्टर 6 है, जिसका नेम है सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। ओके, तो ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहले आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर 1 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड टू सेव लाइफ बिफोर द डॉक्टर कम। तो जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी ऑब्जेक्ट है फर्स्ट एड का, वो ये है कि लाइफ को सेव करना डॉक्टर के आने से पहले। ओके, तो द आंसर क्या हो गया, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड टू सेव लाइफ बिफोर द डॉक्टर कम्स। ओके, क्वेश्चन 2 है, What first aid should be given in case of a wound? जब चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड में क्या दिया जाता है? तो आंसर 2 है, ऑर्नामेंट, एंटीसेप्टिक एंड बैंडेज शुड बी गिवन इन अ केस ऑफ wound। ओके, तो मतलब दवाई, एंटीसेप्टिक, बैंडेज वगैरह लगाई जाती है ना जब चोट लग जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, हाउ विल यू हेल्प अ पर्सन हु हैज़ ब्रोकन हिज आर्म बोन। हाँ, मतलब हम उस पर्सन की कैसे हेल्प करेंगे जिसके जो आर्म बोन है वो ब्रोक हो गई है। ओके, तो आंसर 3 है, अप्लाई आइस टू द इंजर्ड एरिया, दिस कैन हेल्प टू डिक्रीज पेन एंड स्वेलिंग। मतलब जिस इंजर्ड एरिया, उस जगह हमें आइस अप्लाई करनी चाहिए, आइस लानी चाहिए, जिससे क्या होता है जो उसकी पेन और स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। प्लेस आइस इन अ बैग एंड लीव इट ऑन द आर्म फ्रॉम 20 to 30 minutes एट अ टाइम। तो मतलब जो आइज है उसे बैग में, मतलब किसी उसमें रख के लगाना चाहिए और 30 to 20 minutes के एट अ टाइम के उसमें लगाना चाहिए। ओके, इट मे बी हेल्पफुल टू प्लेस अ टॉवल अराउंड द आइज बैग और इन बिटवीन द बैग एंड द स्किन टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम गेटिंग टू कोल्ड। नेवर पुट आइस डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो मतलब जो आइज है उसको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए हमने उसके जो ब्रोकन आर्म है उस पर, हमें मतलब उसे टॉबल या फिर किसी में कवर करके लगाना चाहिए। ओके, और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 4 है आपका, हाउ विल यू ट्रीट एन इंसेक्ट बाइट। जब इंसेक्ट बाइट तो कैसे ट्रीट करना चाहिए? आंसर 4 है, बाइट शुड बी न्यूट्रलाइज विद एमोनिया और लाइम वाटर, अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम में बी अप्लाइड टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन पुट आइज। तो मतलब जो इंसेक्ट बाइट है तो उसे लाइम वाटर और उसे वॉश करना चाहिए और मतलब जो स्वेलिंग वगैरह जो पेन है उस आइस पुट करना चाहिए तो वो कम हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन 5 है, हाउ विल यू ट्रीट अ डॉग बाइट। जब डॉग बाइट करता है तो क्या करना, ट्रीट करना चाहिए, कैसे हमें उसे वो करना चाहिए? तो आंसर 5 है, इन केस ऑफ अ डॉग बाइट रिमूव द जम्स बाय वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, सी द डॉक्टर एडवांस। जब डॉग बाइट कर जाता है तो जो जगह है उसको वॉश करना चाहिए, उसके जम्स को रिमूव करना चाहिए सोप और वाटर से, और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6, जो कि ईवीएस के साइंस पोर्शन का चैप्टर 6 है, जिसका नेम है सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। ओके, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, अब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए राइटिंग में, उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।